हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ नई वैकेंसीज़ के बारे में। तो लेटेस्ट जॉब्स जो हैं वो निकली हुई हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च में। एडवर्टीजमेंट नंबर है 1/2024 और इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं 1 जून से लेकर 30 जून 2024 तक। और वैकेंसीज़ की अगर बात करें तो ग्रुप ए, बी और सी के लिए यहाँ पर वैकेंसीज़ निकली हुई हैं। काफ़ी अच्छी इसमें सैलरी भी आपको दी जा रही है और जो आपकी वैकेंसीज़ हैं, जो आपके लिए यहाँ पे मौके हैं, वो भी काफ़ी हैं, क्योंकि 91 वैकेंसीज़ जो हैं यहाँ पे फिलअप की जाएंगी इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ जो हैं यहाँ पर निकली हुई हैं। तो साइंटिफिक ऑफिसर के लिए यहाँ पर वैकेंसीज़ निकली हैं, जिनके लिए आपका इनिशियल पे स्केल रहेगा 78,800 रुपये। मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी 50 साल तक की। और इसी के साथ ही साथ जो अदर वैकेंसीज़ हैं वो हैं टेक्निकल ऑफिसर की, साइंटिफिक असिस्टेंट की, नर्स की, फार्मासिस्ट की और टेक्नीशियन की। और इस तरह से 91 वैकेंसीज़ जो हैं यहाँ पे फिलअप की जाएंगी। तो यहाँ पे ब्रीफली देखेंगे किसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। सबसे पहले बात करेंगे ग्रुप ए वैकेंसीज़ की, जिसमें है साइंटिफिक ऑफिसर ई मेडिकल के लिए। इसमें जनरल सर्जरी है और न्यूक्लियर मेडिसिन है, दो डिसिप्लिन है जिनकी एक एक वैकेंसी है। और इसके लिए एमबीबीएस किया होना चाहिए, साथ ही साथ एमएस किया होना चाहिए जनरल सर्जरी में या फिर न्यूक्लियर मेडिसिन में। 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 18 से 50 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, 78,000 प्लस इसमें सैलरी आपको दी जाएगी। देन इसमें नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है साइंटिफिक ऑफिसर डी मेडिकल ग्रुप ए पोस्ट। इसमें डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिनस हैं, इसके लिए या तो आपने एमडीएस किया होना चाहिए या फिर बीडीएस विद 5 ईयर एक्सपीरियंस। डेंटल जो है यहाँ पे डिसिप्लिन, इस डिसिप्लिन के लिए ये रिक्वायरमेंट रहेगी। सो डेंटल प्रोस्थोडोंटिक्स के लिए ये रिक्वायरमेंट है। देन एनेस्थीसिया है यहाँ पे, ऑफ्थाल्मोलॉजी है, देन गायकोलॉजी है, रेडियोलॉजी है, पीडियाट्रिक्स है, ईएनटी है, न्यूक्लियर मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ह्यूमन और मेडिकल जेनेटिसिस्ट। तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है, जिसके लिए आप यहाँ इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके इसमें देख सकते हैं इंडिविजुअली। इसके लिए 18 से 40 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए और स्केल है 67,700 रुपये प्लस अदर इसमें जो एम्बोलीमेंट्स रहेंगे। देन इसमें वैकेंसी है साइंटिफिक ऑफिसर सी मेडिकल की, जिसमें डिसिप्लिन है जनरल ड्यूटी और कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर की, 15 वैकेंसीज़। इसके लिए एमबीबीएस आपने किया होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस, 18 से 35 के बीच में उम्र आपकी होनी चाहिए। इसके बाद वैकेंसी है ग्रुप बी की, जो कि है टेक्निकल ऑफिसर फिजियोथेरेपी के लिए। पीजी डिग्री की होनी चाहिए फिजियोथेरेपी में, या फिर आपने जो है रिक्वायरमेंट यहाँ पे अलग भी बताई गई है वो आपकी है, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। यानी कि हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट प्लस 4.5 ईयर्स पीपीटी आपने किया होना चाहिए, प्लस 2 या 3 साल का एमपीटी आपने किया होना चाहिए, 18 से 30 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, 67,600 रुपये इसमें सैलरी रहेगी। साइंटिफिक असिस्टेंट सी मेडिकल सोशल वर्कर के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की होनी चाहिए इस डिसिप्लिन में, 18 से 30 के बीच में उम्र होनी चाहिए। नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग किया हो या फिर 12th स्टैंडर्ड और डिप्लोमा किया हो, या फिर नर्सिंग के सर्टिफिकेट 3 साल का एक्सपीरियंस किया हो और 18 से 30 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। साइंटिफिक असिस्टेंट बी ग्रुप बी पोस्ट के लिए जो पैथोलॉजी डिसिप्लिन है उसके लिए 60% मार्क्स होने चाहिए बीएससी एमएलटी में, या फिर 60% के साथ बीएससी किया हो और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया हो एमएलटी में, यानी कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, 18 से 30 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। रेडियोग्राफी में है ये वैकेंसी एक, इसके लिए भी 60% बीएससी रेडियोग्राफी किया हो या फिर 50% बीएससी में हो और 1 साल का डिप्लोमा किया हो रेडियोग्राफी में, 18 से 30 के बीच में उम्र होनी चाहिए। तीसरा यहाँ डिसिप्लिन है न्यूक्लियर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट का, जिसकी 4 वैकेंसीज़ हैं। देन यहाँ पे बात करेंगे फार्मासिस्ट बी ग्रुप सी पोस्ट की, तो इसके लिए हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, 2 साल का डिप्लोमा फार्मेसी का और 3 मंथ की ट्रेनिंग हो फार्मेसी की, 18 से 25 उम्र हो, 29,200 इसमें सैलरी दी जाएगी। देन टेक्नीशियन ग्रुप सी पोस्ट है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन में ये पोस्ट निकाली गई है, तो इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट रहेगी, 18 से 25 के बीच में आपकी उम्र मांगी गई है। अब बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका रहेगा, कुछ वैकेंसीज हैं जिनके लिए आपका सिर्फ और सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। अब ये किन के लिए है,
तो नर्स, फार्मासिस्ट और जो टेक्नीशियन के पोस्ट हैं उनके लिए ये पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होगा। इसके अलावा जो बाकी जितनी भी पोस्ट मैंने बताई तो उनके लिए जो है यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू ही आपकी सिलेक्शन की जाएगी। और ज़्यादा कैंडिडेट अगर इसके लिए अप्लाई करते हैं तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी इसमें कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा और 90 मिनट का ये पेपर जो है वो आपका कंडक्ट किया जाएगा। अब बात करें जिनका पेपर कंडक्ट होगा वो कैसे सिलेक्शन प्रोसेस उनकी रहने वाली है। तो जो नर्स के लिए अप्लाई करेंगे, जो फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करेंगे और जो टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करेंगे, इन तीन पोस्ट के लिए जो TNB पोस्ट कोड है, जो आपका PHM पोस्ट कोड है और जो आपका यहाँ पे पोस्ट कोड है आपका नर्स का यानी कि UR, इसके लिए जो है आपका एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट होगा। पहले होगा प्रिलिमिनरी टेस्ट, फिर होगा आपका एडवांस्ड टेस्ट, फिर होगा ट्रेड और स्किल टेस्ट। जो आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा, 50 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें मैथ के होंगे 20, साइंस के होंगे 20 और जनरल अवेयरनेस के होंगे 10 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का और कट ऑफ जो मार्क्स रहेंगे जनरल कैटेगरी के लिए वो रहेंगे 40% और रिजर्व के लिए 30%। तो ये आपके आने ही चाहिए। देन आपका होगा एडवांस्ड टेस्ट, जो स्टेज 1 क्लियर कर जाएंगे वो स्टेज 2 में आएंगे, एडवांस टेस्ट देंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, कट ऑफ मार्क्स रहेंगे जनरल कैटेगरी के लिए 30, रिजर्व कैटेगरी के लिए जो रहेंगे वो रहेंगे 20%। और जो मेरिट लिस्ट होगी कैंडिडेट की वो प्रिपेयर की जाएगी आफ्टर स्टेज 2, जो उनके मार्क्स होंगे स्टेज 2 के ही, जो मार्क्स उनके स्टेज 2 में आए होंगे उसी के बेस पर उनकी मेरिट लिस्ट जो है वो प्रिपेयर की जाएगी। देन इसमें आगे क्या बताया गया है कि जो स्टेज 1 जो प्रीलिमिनरी टेस्ट है और जो स्टेज 2 टेस्ट है वो कंडक्ट किए जाएंगे सिंगल सेशन में एज सेक्शन A एंड सेक्शन B। तो सेक्शन A और सेक्शन B की तरह ये सिंगल सेशन में ये टेस्ट जो हैं दोनों कंडक्ट किए जाएंगे। टेस्ट की ड्यूरेशन होगी 3 घंटे की और जो रिस्पॉन्स शीट्स होंगी स्टेज 2 की वो तभी इवेल्युएट की जाएंगी अगर आप स्टेज 1 जो सेक्शन A है उसको आप क्लियर कर जाएंगे। देन जो मेरिट प्रिपेयर होगी स्टेज 2 कैंडिडेट्स की, उनके मार्क्स के बेसिस पे उनको बुलाया जाएगा ट्रेड और स्किल टेस्ट के लिए। और जो स्किल और जो ये जो स्किल टेस्ट होगा आपका ये गो नो गो बेसिस पे आपका कंडक्ट किया जाएगा। तो इस तरह से ये सिलेक्शन प्रोसेस जो प्रोसेस है आपकी वो रहने वाली है। बात करेंगे एग्जामिनेशन फीस की, तीन टाइप की यहाँ पे फीस आपसे डिडक्ट की जाएगी, 300 रुपये, 200 रुपये और 100 रुपया। तो आपके पोस्ट अकॉर्डिंग यहाँ पे फीस आपकी जो है वो डिडक्ट की जाएगी। और इसमें बताया गया है कि जिन कैंडिडेट ने अप्लाई किया है साइंटिफिक ऑफिसर के लिए, साइंटिफिक ऑफिसर D, साइंटिफिक ऑफिसर C, टेक्निकल ऑफिसर B, साइंटिफिक असिस्टेंट C, साइंटिफिक असिस्टेंट B, इनका जो है पर्सनल इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन होगी। और जो इनके लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको अपनी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी प्रिंट आउट भी सबमिट करनी होगी, साथ ही साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ उनके डॉक्यूमेंट्स की सबमिट करनी होगी 8 जुलाई 2024 तक स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा। ये एड्रेस रहेगा इस एड्रेस पे, और जिस लिफाफे में ये सारी चीज़ें भेजेंगे उसके ऊपर लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिलअप किया हुआ है। अब बात करें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है भरना कहाँ पे है, तो आपको जाना है IGCR.gov.in/recruitment.html के ऊपर, और यहाँ पे जाके जो है आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भर पाएंगे। तो ये था गाइस आज के इस वीडियो में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाना चाहते हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की वीडियोस जो अपलोड होती हैं हमारे चैनल पे उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।